देश का स्टोरी टाइम। मैं रौनक हूँ। और मैं चंचल। और हम कहानियों की रंगीन दुनिया में रहते हैं। चलो हमारे साथ। चिल्ड्रन, हैव यू हर्ड अबाउट मुंशी प्रेमचंद्र जी? ही वॉज अ ग्रेट राइटर ऑफ हिंदी लिटरेचर। Let us listen to one of his very popular stories where we see a young boy Hamid's love for his grandmother. The name of the story is Eidgah and its message is loving is giving. It was Eid after 30 days of fasting of Ramzan. What a bright and lovely day it was. गांव में बहुत हलचल थी। सभी ईदगाह जाने की तैयारी में लगे थे। बच्चों की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। कोई किसी से रेस लगा रहा है, कोई किसी के साथ खेल रहा है। सब खूब खुश थे। हामिद was a poor boy of 8 years. वो भी इसी गांव में रहता था। ही वॉज एन ऑर्फन, जिसके माता पिता दोनों ही नहीं थे। ही लिव्ड विद हिज ग्रैंड मदर। ही टू वॉज वेरी हैप्पी एज इट वॉज ईद। वो भी सभी लोगों के साथ मिला जाना चाहता था, बिकॉज द विलेजर्स वर रेडी टू गो टू द फेयर। लेकिन हामिद की दादी उसे मेला जाने से मना कर रही थी। She was worried about him because Hamid was a small boy. और फिर उसके पास जूते भी नहीं थे। And he had a long way to go. लेकिन हामिद जाना चाहता था, क्योंकि उसके फ्रेंड्स मोहसिन, नूरे, सामी सब जा रहे थे। हामिद was very poor. उसके पास खर्च करने के लिए कुछ ही रुपए थे। खैर, उसकी जिद के आगे दादी मान गईं। उन्होंने कहा, ठीक है, जाओ, लेकिन अपना ध्यान रखना और किसी का साथ न छोड़ना। वो खुशी खुशी चल दिया। काफी दूर चलने के बाद वे सब ईदगाह पहुंचे। There they saw huge tamarind trees. Now they all had to offer namaz. बच्चे बहुत खुश थे। नमाज के बाद सब लोग फेयर देखने गए। सबसे पहले उन्हें झूले दिखे और सभी बच्चे अलग अलग झूलों पर झूलने लगे। हामिद ऑल्सो वॉन्टेड टू हैव अ राइड ऑन द स्विंग्स, बट ही कुड नॉट डू सो। वह ऐसा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके पास कुछ ही पैसे थे। वो नहीं चाहता था कि सब यहीं पे खर्च हो जाएं। उसके बाद वे लोग आगे बढ़े। There were a few toy shops. His friends Mohsin, Mahmood and Sami bought some clay toys. Clay toys मतलब मिट्टी के खिलौने। हामिद का बहुत मन कर रहा था clay toys लेने का। देखो तो कितना सुंदर सिपाही था, कितना सुंदर एक हिरन था। But उसने खुद पर कंट्रोल किया। He said to his friend, अरे भाई, what is the use of these toys? आखिर सब क्ले के ही तो बने हैं, और जरा सा ठोकर लगी नहीं कि मिट्टी के खिलौने तो जल्दी टूट जाएंगे। उसके बाद वे सब और आगे बढ़े और स्वीट शॉप पहुंचे। वहां पे खूब सुंदर सुंदर मिठाइयां दिखाई दी। हिज फ्रेंड्स बॉट गुलाब जामुन, रेवड़ी एंड हलवा। हामिद के मुंह में पानी आ रहा था। ही वॉज ऑल्सो हंग्री। ही ऑल्सो वॉन्टेड टू हैव द टेस्टी स्वीट्स। लेकिन उसने फिर खुद पर कंट्रोल किया, क्योंकि उसे यह याद था कि ही हैड वेरी लिटिल मनी। ही थॉट दिस टेस्ट विल रिमेन इन देयर माउथ फॉर जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स। कुछ ही देर तो मिठाई का स्वाद रहेगा मुंह में। और फिर ही हैड रेड इन हिज बुक्स दैट स्वीट्स आर बैड फॉर टीथ। उसने अपने मन को समझाया और यही उसने अपने दोस्तों को भी बताया, जब उन्होंने कहा कि तुम भी मिठाई खरीद लो। वहां से वे लोग फिर आगे बढ़े। वहां पे
कुछ शॉप्स लोहे के सामान की थी जहां आयरन मॉन्गर्स सामान बेच रहे थे। बच्चों को उसमें कोई रुचि नहीं थी, लेकिन हामिद वहां ठिठक कर रुक गया। उसने देखा कि आयरन मॉन्गर्स के पास बर्तन, चिमटे, तवा ये सब है, लेकिन एक चीज हामिद का ध्यान आकर्षित कर रही थी। वह थी अ पेयर ऑफ टोंग्स, यानी चिमटा। चिमटा देखते ही उसे अपनी ओल्ड ग्रैंडमदर की याद आ गई। हिज पुअर ग्रैंडमदर यूज्ड टू बर्न हर फिंगर्स व्हाइल मेकिंग चपातीज फॉर हिम। क्योंकि उनके पास टोंग्स नहीं थे, यानी चिमटा नहीं था, वो अपनी उंगलियों से ही रोटियां सेकती थी। उसने सोचा, इफ ही बाइज अ पेयर ऑफ टोंग्स फॉर हिज ग्रैंडमदर शी वुड बी वेरी हैप्पी एंड शी वुड नेवर बर्न हर फिंगर्स अगेन। उसने आयरन मॉन्गर से पूछा, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस पेयर ऑफ टोंग्स। आयरन मॉन्गर ने रिप्लाई किया, 10 रुपीज। और ये खिलौना नहीं है, ये चिमटा है, तुम इसे लेकर क्या करोगे। हामिद्स हार्ट सैंग फॉर अ वाइल। कुछ क्षणों के लिए हामिद का दिल बैठ गया। उसके पास कुल 9 ही रुपए थे। उसने आयरन मॉन्गर को उत्तर दिया, अरे मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, मुझे तो अपनी दादी के लिए चाहिए था। क्या आप इसे मुझे 9 रुपीज में दे देंगे। मेरे पास कुल इतने ही हैं। आयरन मॉन्गर को लगा, अरे इतना छोटा बच्चा, उसे अपनी दादी की फिक्र है। उसने कहा, ठीक है, आई विल गिव यू दीज टोंग्स फॉर 9 रुपीज। टोंग्स को देखते ही हामिद के फ्रेंड्स उसे टीज करने लगे, अरे तुम इस चिमटे का क्या करोगे, आखिर यह किस काम का है। हामिद वाइजली आंसर्ड हिज फ्रेंड्स, दीज टोंग्स आर नॉट मेड ऑफ क्ले, दे आर मेड ऑफ आयरन। ये टूटेंगे नहीं, जैसे तुम्हारे मिट्टी के खिलौने टूट जाते हैं, और हम लोग इससे खेल भी सकते हैं। देखो, इन दोनों को दाबने से आवाज निकलती है। यह सुनकर सभी बच्चों ने कहा, अरे वाह, हामिद ने तो बहुत ही वाइज निर्णय लिया। मेला घूमने के बाद सब खुशी खुशी घर लौट आए। घर में घुसते ही हामिद की दादी ने पूछा, अरे भाई तुमने क्या क्या लिया। हामिद ने खुशी से वो टोंग्स दिखाए। दादी ने पूछा, व्हाई डिड यू ब्रिंग दीज फ्रॉम द फेयर, तुम्हें और कोई चीज नहीं मिली। हामिद ने कहा कि दादी, यू बर्न योर फिंगर्स व्हाइल मेकिंग चपातीज फॉर मी, इसलिए मैं टोंग्स ले आया हूँ। दादी की आंखें खुशी के आंसुओं से भर गई। उन्होंने हामिद को कसकर गले से लगा लिया।